हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे आलू राइस बॉल। बहुत ही झटपट बन जाता है, चलिए इसे बनाते हैं। आलू राइस बॉल बनाने के लिए अपने राइस को भिगो लिया है अच्छी तरीके से। कितना टाइम के लिए भिगोया हम? 1 घंटा 2 घंटा भी भिगा सकते हैं। मैं 1 घंटा भिगाएंगे। अभी हम लोग इसको ग्राइंड करेंगे। हाँ, इसको ज़्यादा पतला ये नहीं करने का, ज़्यादा पानी नहीं डालने का इसको। ये देखिए, इतना ज़्यादा कर, इससे भी ज़्यादा होगा तो अच्छा है, पर मिक्सर इससे ज़्यादा नहीं पीसते। बिना पानी का मिक्सर घूमता नहीं है। फिर भी ट्राई किया। अभी इसी मिक्सर को इसमें 3 पका हुआ बॉइल पोटैटो लिए हुए, इसको भी ग्राइंड करना है। मैश करके डालना पड़ेगा, इसे घूमेगा नहीं मिक्सर। अब इसको ग्राइंड कर, ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अभी इसको हम मिक्स करेंगे उसके साथ में। हाँ, अभी हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार हम लोग ने 1 चम्मच को उतना ले लिया है। अब इसमें क्या ऐड करना है? हमें मिर्ची, 3-4 मिर्ची डालना है आपके स्वाद अनुसार। तीखा आप इसको और भी ज़्यादा चॉप कर सकते हैं, हम लोग ने ज़्यादा चॉप नहीं किया इसको। और धनिया पत्ता, हम लोग इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं, ये होममेड है। अगर इसके ऊपर भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर भी डिटेल में ही वीडियो बना के दे देंगे। अब इसको अच्छे से ना मिक्स करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें सोडा गर या कुछ भी काने का बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाल रहे। जो बटरा पीसा हुआ है उसके साथ और चावल के आटा को अच्छा मैश होना चाहिए साथ में। हमने इसे 5 मिनट के लिए रख दिया था। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। हमने गैस में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। गरम हो चुका है लगभग थोड़ा बहुत। छोटे छोटे हम लोग गोल बना के छोड़ रहे हैं इसको। तेल ज्यादा ही गर्म हो गया। बारिश आ रही है, थोड़ा भी आएगा जोर से। इसको ऐसे छोड़ेंगे, 5 मिनट के बाद इसको हिलाएंगे, नहीं तो चिपकते हैं। अच्छा क्रिस्पी बनता है, क्रिस्पी और हल्का हल्का ब्राउन होने को आ रहा है। इसे थोड़ी देर और हम लोग ऐसे ही ऑयल में फ्राई करेंगे अच्छे से। ये देखिए कि अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है। अभी हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो क्या साउंड आ रहा है, बहुत क्रिस्पी बना है। देखिए आप उसका साउंड से आप पहचान सकते हैं। हमारा आलू राइस पकोड़ा इज़ रेडी टू सर्व। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है, बहुत ही जल्दी बनता है। बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके साथ हम लोग ने टमेटो का चटनी रखा है, ये इसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम लोग ने रखा है।
ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।